हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। स्वागत में आपको क्रिकेट से रिलेटेड बड़ी बड़ी खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। पहली बड़ी खबर करो करें खबर निकल के लिए कालिन डी ग्रैंड होम के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर कि डी ग्रैंड होम पाकिस्तान टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी 26 दिसंबर से, उस सीरीज से वो बाहर हो गए हैं कालिन डी ग्रैंड होम। न्यूजीलैंड ऑलराउंडर और विलियमसन के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, वो भी उस पर अभी और इंतजार करना होगा, लेकिन कालिन डी ग्रैंड होम उस सीरीज से बाहर हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही है आईसीसी के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए 86 टीमों को फाइट करनी होगी 15 स्पॉट्स के लिए, और 225 क्वालिफिकेशन मैच खेले जाएंगे 2022 वर्ल्ड कप के लिए। ये आईसीसी ने आज जारी करते हुए कहा है कि 86 टीमों को क्वालिफाई में डाला है, यानी हर मुल्क को मौका मिलेगा टी20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए, और 15 स्पॉट्स खाली हैं और 15 जगहों पर वो 36 टीमों को लाया जाएगा और सिर्फ 15 टीमों को निकाला जाएगा और 225 मैचेस इन टीमों के बीच खेले जाएंगे। अगर बात की जाए ये टी20 वर्ल्ड कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। बात की जाए तीसरी खबर की, तो ये खबर निकल के आ रही है सुनील गावस्कर के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, सुनील गावस्कर के मुताबिक टीम इंडिया को शुभमन गिल ओपनिंग पे लाना चाहिए और ऋषभ पंत को विकेट कीपिंग पे लाना चाहिए, क्योंकि आजकल यही ट्रेंड चल रहा है कि टीम इंडिया में ना ही ओपनिंग पे कोई है ना ही विकेट कीपर पर कोई अच्छा नाम नहीं है। मतलब रिद्धिमान साह और ऋषभ पंत दोनों अच्छे हैं, लेकिन अभी तक तय नहीं किया गया था कि कौन सा विकेट कीपिंग करेगा, लेकिन अब सुनील गावस्कर के मुताबिक ऋषभ पंत को विकेट कीपिंग दे देनी चाहिए और शुभमन गिल को ओपनिंग पर लाना चाहिए, मयंक अग्रवाल के साथ ओपनिंग करानी चाहिए, ये कहना है सुनील गावस्कर का। चौथी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही है साउथ अफ्रीका क्रिकेट के हवाले से। साउथ अफ्रीका क्रिकेट में जो एक मैच खेला जा रहा था, जो उसका जो साउथ अफ्रीका का डोमेस्टिक फ्रेंचाइजी सीरीज आज चल रही है, वो एक मैच वहां पर कॉल्ड ऑफ करना पड़ा क्योंकि वहां पर कोविड पॉजिटिव आए हैं और अब वो मैच वहीं पर रोक दिया गया है। अब जो श्रीलंका के खिलाफ 26 दिसंबर से सीरीज जो शुरू होगी उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल आ गई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में केसेस निकलने के बाद जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज थी वो पहले ही पोस्टपोन हो गई थी। अब ये ऐसा लग रहा है कि अब श्रीलंका के खिलाफ भी सीरीज पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन अभी साउथ अफ्रीका क्रिकेट ने यह भी कहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है श्रीलंका के खिलाफ सीरीज खेलने। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियोज मिल सके। थैंक यू।